व्हाइट हाउस के प्रेस सकत्तर कैली मैकनैनी ने सोमवार को कहा कि वह कोविड 19 तो संक्रमित हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के वायरस की चपेट च आने तो बाद कोविड 19 नाल संक्रमित होने लई मैकनैनी व्हाइट हाउस की शीर्ष अधिकारी है। इस महामारी के कारण इस साल 2 लाख तो भी वध अमरीकी अपनी जान तो हाथ धो बैठे ने। मैकनैनी ने अपने कोविड 19 तो संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके दी है। मैकनैनी ने ट्वीट किया है कि वीरवार तो ही मैं अपने रोजाना टेस्टा दौरान नैगेटिव आ रही थी और सोमवार सवेरे मैं कोविड 19 नाल संक्रमित पाई गई। हालांकि मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई दिते। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने प्रेस दे किसी भी रिपोर्टर निर्माता या प्रेस दे मेंबर नू नेड़ले संपर्क वजो सूचीबद्ध नहीं किया। कैली मैकनैनी ने वीरवार नू व्हाइट हाउस विखे बुलाए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि इस दे अलावा वीरवार नू व्हाइट हाउस विखे प्रेस ब्रीफिंग तो पहला मैनू हॉप हिक्स की जांच बारे कोई भी जानकारी नहीं सी। कैली मैकनैनी ने भी दसिया कि उस प्रेस मुलाकात विच उन्होंने मास्क नहीं सी पाया। राष्ट्रपति अते फर्स्ट लेडी मेलानिया दे करीबी सहयोगी होप हिक्स व्हाइट हाउस दी पहली अधिकारी है जो पिछले हफ्ते कोविड 19 तो संक्रमित हुई सी। इस तो बाद यूएस दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अते उन्हां दी पत्नी मेलानिया भी कोविड 19 दी चपेट विच आ गए सन। तुहानू दस दिए कि राष्ट्रपति ट्रंप पहला ही कोविड 19 तो संक्रमित हुए ने, जिस दे चलदे कुछ दिन पहला उन्हां नू मिलिट्री अस्पताल च भर्ती करवाया गया सी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਲੀ ਮੈਕਨੈਨੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।